अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने बच्चों के लिए नान प्रो खरीदना चाहिए या फिर नान एक्सेला प्रो खरीदना चाहिए कौन सा फॉर्मूला मिल्क आपके बच्चों के लिए सही रहेगा कौन सा फॉर्मूला मिल्क उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एग्जैक्टली exactly दोनों में डिफरेंस है क्या क्यों दोनों में इतना प्राइस डिफरेंस है एंड यू नो बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए एंड ग्रोथ के लिए कौन सा फॉर्मूला मिल्क जो है वो सही रहेगा तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है हाई दोस्तों मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोज़ बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पर प्रोडक्ट्स पर मेरे पर्सनल विलॉग मॉमी टॉकीज़ के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है बताना चाहूंगी कि से अच्छा बच्चों के लिए और कुछ भी नहीं होता अगर आपके पास ऑप्शन है नो आपका का सप्लाई अभी भी अच्छा है तो आप बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे ज्यादा जो है वो बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस होता है बट अगर आपके पास ब्रेस्ट मिल्क का ऑप्शन अभी नहीं है

आपका बेबी जो है पचा नहीं पा रहा है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं आप नानप्रो को मत खरीदिए आप एक्सला को खरीदिए जिसमें लैक्टोज नहीं होता है, ताकि वो बच्चों के लिए डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाए बट इस केस में आप एक बार अपने पीडाइट्रेशन से जरूर चेक कर लीजिएगा सो तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड मेजर डिफरेंस है वो है सोडियम का जिसको मिनरल या फिर सॉल्ट भी बोला जाता है तो सोडियम का, का काम क्या होता है सोडियम आपके बच्चों के बॉडी में वॉटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है एंड बच्चों के मसल्स के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आप बच्चों को बहुत ज्यादा सोडियम या फिर सॉल्ट जो है वो नहीं दे सकते क्योंकि अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा सॉल्ट देंगे तो तो उससे बच्चों का जो किडनी है वो अफेक्ट होता है तो आइए देखते हैं कि दोनों के बीच में एक्जैक्ट डिफरेंस है क्या तो यहाँ पे आप देखेंगे नान प्रो में जो आपको सोडियम मिलता है पर हंड्रेड ग्राम ऑफ पाउडर में वो है आ, हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिली ग्राम बट नान एक्सला प्रो में जो आपको पर हंड्रेड ग्राम पाउडर में मिलता है वो है टू हंड्रेड ग्राम सो बेसिकली यहाँ पे नॉन एक्सला प्रो में सिक्सटी सिक्स परसेंट ज्यादा सोडियम होता है कंपेयर टू नान प्रो अब थर्ड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो थर्ड डिफरेंस है कैल्शियम जो कि आपको पता है कि बच्चों के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है साथ ही साथ वो बच्चों के हार्ट के लिए भी अच्छा होता है तो आइए देखते हैं कि कैल्शियम में क्या डिफरेंसिस है तो नान प्रो में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नान प्रो में पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर में जो कैल्शियम अवेलेबल होता है वो है 290 बट एक्सला में आपको मिलता है 340 मिलीग्राम तो ओवरऑल हमने देखा कि मिलीग्राम एक्सला प्रो में 17 ज्यादा कैल्शियम होता है कंपेयर टू नॉन प्रो अब आप अपना कॉल जो है वो आसानी से ले पाएंगे सो so दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है मैंगनीज जो की अगेन बच्चों के फॉर्मुला मिल्क में मिलता है एक टाइप ऑफ मिनरल है मैंगनीज बच्चों की बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है बच्चों में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है बच्चों में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है तो मैंगनीज भी यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है अब आइए देखते हैं कि दोनों में एक्जैक्टली exactly डिफरेंस है क्या तो नानप्रो में जो मैंगनीज मिलता है वो है सिक्सटी माइक्रोग्राम पर हंड्रेड ग्राम ऑफ पाउडर बट यहाँ पे आपको नान एक्सला प्रो में मैंगनीज मिलता है सेवेंटी माइक्रोग्राम पर हंड्रेड ग्राम ऑफ पाउडर तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिलता है कि नान एक्सला प्रो में अप्रोक्सिमेटली सिक्सटीन ज्यादा मैंगनीज

साथ ये बच्चों की बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को बनाने का काम करता है अब आइए देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंस है क्या तो यहां पे आप देख सकते हैं नानप्रो में जो आपको फिलीन अलाइन मिलता है वो मिलता है बिल्कुल नहीं

जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा बच्चों के हेयर के लिए बच्चों के लिए खाना जाता है एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो बायोटिन भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि बच्चों का एनर्जी मिले तो आइए देखते हैं कि बायोटीन में क्या डिफरेंसिस है तो यहाँ पे आपको नान प्रो में मिलता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव माइक्रोग्राम पर हंड्रेड ग्राम ऑफ पाउडर बट

साथ फोर्सिपिड क्या करता है बच्चों के सेल में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने का काम करता है जो कि बच्चों के लिए अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है अब आइए देखते हैं कि इसके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस है क्या तो नानप्रो में जो आपको मिलता है वो मिलता है ज़ीरो बिल्कुल नहीं बट में जो आपको मिलता है वो है सिक्स मिलीग्राम पर हंड्रेड ग्राम ऑफ पाउडर मतलब नानप्रो में तो है ही नहीं बट एक्सला में आपको फोर्सिपिड मिलता है जो कि बच्चों के सेल के लिए डेवलपमेंट के लिए

पाउडर मतलब कोलेस्ट्रॉल आपको नान प्रो में मिलता है एंड एक्सला प्रो में so से है है आपने सुना होगा जिसको कहते लियोनिक इसका मेन काम होता है कि बच्चों के बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है साथ ही साथ ये बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करता है तो ए एल ए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है

Pro. दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है ए आर ए का जिसको कहते हैं है। की, के 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 की जरूरत होती है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो की फॉर्मुला मिल्क में होना ही चाहिए तो नानप्रो में जो आपको ए आर ए मिलता है वो मिलता है सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट मिलीग्राम पर हंड्रेड ग्राम ऑफ पाउडर बट एक्सला में जो आपको ए आर ए मिलता है वो मिलता है

डेवलपमेंट के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए ग्रोथ के लिए सब चीज के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है तो नानप्रो में जो आपको डीएचए मिलता है वो मिलता है सिक्सटी मिलीग्राम पर हंड्रेड ग्राम ऑफ पाउडर बट प्रो में जो आपको डीएचए मिलता है वो मिलता है 72 टू मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पाउडर तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि एक्सला प्रो में आपको 7.8 परसेंट ज्यादा डीएचए मिलता है कंपेयर टू नॉन प्रो जो कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एलिमेंट है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला मिल ले उसमें डीएचए की वैल्यू जरूर चेक कर लीजिएगा जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन डिफ्रेंसेस के अलावा जो अभी हमने शेयर किया उसके अलावा जो बाकी सारे वाइटमिन मिलते हैं या फिर फैट्स मिलते हैं या फिर

तो so दोस्तों इसी के साथ मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय